धनबाद में बीसीसीएल सीवी एरिया की सी पैच दही बड़ी आउटसोर्सिंग के समीप अचानक आग भड़क गई। आग की लपटें आसमान में दूर दूर उठने लगी, चारों तरफ धुएं का गुब्बारा नजर आने लगा। प्रबंधन आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है, वहीं आग के कारण स्थानीय बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। वे बीसीसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आग के कारण स्थानीय बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए हैं। मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय लोग बीसीसीएल प्रबंधन का घेराव जता रहे हैं। अपने अपने घरों से निकलकर बच्चों के साथ साथ महिलाएं प्रोजेक्ट पहुंच गए हैं। बस्ती में ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। इन्हें अपने आशियाने की चिंता सता रही है। आदिवासी महिलाओं का कहना है कि हमें रहने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन पहले व्यवस्था करे, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम महल नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ रहने के लिए एक घर मांग रहे हैं। नहीं ले रहा कहिया जो सरकार देगा, सुन सुन कर तो चार बच्चा कमा होगी, कहिया जो घर देगा पता नहीं। अभी तो दिन बाकी है, पता नहीं कौन दिन में देगा, कौन साल में देगा। बाल बच्चा लेके मरेंगे कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं 10-11 घर है इधर का, हम लोग 11 घर है, हम लोग उनको दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे यहाँ से, हम किसी का लफड़ा में नहीं पड़ना है कभी भी। आज यदि ये ढका जाएगा तो कल तो कुछ भी हो सकता है, कल का तो छोड़िए, यदि आज दिन भर में क्या होगा देखिए, उसका क्या हो सकता है। अभी तो दिन बाकी है, दिन में क्या होगा अभी उसका कोई गारंटी नहीं है। घर मांग नहीं, घर चाहिए, हम लोगों को कोई मांग नहीं, घर के बदले घर चाहिए बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, कोई महल नहीं मांग रहे, एक रूम दे दीजिए हम लोग चल जाएंगे यहाँ से, कोई बिल्डिंग नहीं मांग रहे कि हम लोग उनको बिल्डिंग दीजिए, ना नौकरी मांग रहे नौकरी दीजिए, हम लोग उनको घर दे दीजिए हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। सुबह आज सुबह पता चला, इतना दिन से तो था ही, हम लोग उनको मालूम था लेकिन इस तरह देखे नहीं थे कभी। अब इतना आँख से देखने के बाद हम लोग उनको रहने का हिम्मत होगा? अभी बोलिए, अभी ढक दीजिएगा, रात बरात में क्या होगा, दिन को क्या होगा, कौन देखेगा? इसीलिए बोले घर दिलाइए हम लोग, हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग उनके घर के बदले घर दिलाइए। जमीन देने से क्या होगा, जमीन यहाँ चाटेंगे लेके, इसलिए बोल रहे हम लोग जमीन उमीन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को घर चाहिए, घर दिला दीजिए हम लोग चले जाएंगे, अभी आज ही दिलाइए और आज ही चल जाएंगे हम लोग। हम लोगों का घर का बदले घर चाहिए, अभी आग लगा हुआ कब हादसा हो जाएगा कोई पता नहीं, हम लोग तो मरेंगे मरेंगे हम लोग साथ में, लेकिन बाल बच्चा भी मरेगा साथ में। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, घर का बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लकड़ा नहीं चाहिए। झरिया पुनर्वास प्राधिकार के अध्यक्ष सह धनबाद डीसी संदीप सिंह ने बताया कि निरसा के दहीबाड़ी बीसीसीएल 12 के आउटसोर्सिंग से आग निकलने के संबंध में कहा कि बीसीसीएल की सेफ्टी जीएम साथ ही संबंधित एरिया के जीएम से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, जो परिवार प्रभावित हुए हैं उसे पुनर्वास करने का आदेश दिया गया है। ये लगातार जो बीसीसीएल के जीएम सेफ्टी हैं, संबंधित क्षेत्र के एरिया जीएम हैं और JRDA के तहत हम लोग जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए जहां पर फायर की वजह से या किसी और कारण से अगर वो क्षेत्र सुरक्षित है तो उनको रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई की जा रही है। एज एंड व्हेन कुछ ऐसे केसेज जो जानकारी में आते हैं तो संबंधित एरिया GMs को और BCCL GM सेफ्टी और उनका जो बाकी प्रशासन है उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप प्राथमिकता पर कार्रवाई करते हुए उनके रिहैबिलिटेशन का और भी जो बाकी आवश्यक कार्यवाही है वो सुनिश्चित कराए। दही बाड़ी के लिए पूरा आग भड़क रहा है सर, 11 परिवार जो है जो खुले आसमान पे है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंसर्न जो एरिया GM है और BCCL GM शिफ्टी दोनों को ये निर्देश दिया गया है कि एक बार देख के अविलंब प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही वहाँ सुनिश्चित कराए। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।